Now, for proper case taking, we have some protocols, or that is known as formats. And that formats may be start from these slides. Up to this, we have some basic fundamentals or basic requirements for case taking. Now, with this, we move to the main case taking, how to approach the patient for the case taking, that is known as patient's personal profile. The first requirement is name. Now, name of the patient is necessary for the identification. Then second is relations, patients and doctors relation. कि भाई किसी आदमी को ये भाई ऐसा बुलाने से, ये उसके नाम से बुलाने से उसका जो रिलेशन रैपोर्ट बनता है वो गुड रैपोर्ट बनता है, और नाम से भी उसका रिलीजन भी पता चल जाता है, और रिलीजन से हमें कुछ चीज बहुत सारे कंडीशन में डायग्नोसिस में मदद होती है। रिलेशन से पेशेंट का फेथ और कॉन्फिडेंस दोनों हमें आ जाता है, इम्पैथी अचीव हो जाती है, और आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। जो मेडिकल लीगल केसेस में हमें बहुत सारे मेडिकल लीगल कंडीशंस रहती है, उसमें हमें पेशेंट का नाम लिखना होता है, या पेशेंट का जो भी नाम है उसको आजकल तो बायोमेडिकल ये बायोमेट्रिक की तरह उसका थंब इम्प्रेशन भी रहता है, उसके साथ आधार कार्ड का भी उसका लिंकिंग वहाँ हम कर सकते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है उसका ये नाम सही है और ये यही आदमी है, या दूसरे के नाम पे यहाँ एडमिट रह रहा है, या कुछ वहाँ पे माल प्रैक्टिस हो रही है दूसरे के नाम पे, फ्रॉड हो रहा है, ऐसी कंडीशन वहाँ पे नहीं है। एज एज पर इंडिविजुअल केसेस, जैसे बहुत सारे डिसीजेस है जो प्रोलैप्स जैसी कंडीशन जो ओल्ड एज में कॉमन है, या शुरू के 12 साल की कंडीशन में, 10 साल की कंडीशन में प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम इज मोस्ट कॉमन। जैसे कुछ फिशर्स जैसी कंडीशन है वो एडल्ट में ज़्यादा कॉमन है, पॉलीसिस्टिक किडनी पर्टिकुलर एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, प्रोस्टेट जैसी कंडीशन है पर्टिकुलर आफ्टर द एज ऑफ 50 और 60। इस तरह हमें एज के इंडिविजुअल केसेस में उसका डायग्नोसिस पुट अप कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज मेलिटस मोस्ट कॉमनली ऑकर आफ्टर द एज ऑफ 40, सीए कैंसर जैसी कंडीशन है वो भी ज़्यादातर आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो इस तरह हमें एज का यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स पर्सनल प्रोफाइल में। सेक्स में सम फीमेल्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड फॉर वेरिकोसिटी ड्यू टू प्रेगनेंसी फैक्टर एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन फैक्टर। थायराइड इज ऑल्सो कॉमन इन फीमेल्स, वाइल मेल्स आर कॉमन इन फॉर द प्रोस्टेट, सीए इसोफेगस ड्यू टू बैड हैबिट्स, स्टमक लंग्स, सीए लंग्स ड्यू टू बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, कोलॉन ड्यू टू बैड हैबिट्स लाइक अल्कोहल और बियर्स कंजम्पशन इज दिस कैंसर कंडीशंस आर कॉमन इन मेल एज कंपेयर टू फीमेल ड्यू टू बैड हैबिट्स। Now, occupation. Occupation is most important. Our occupation gives the clue for the diagnosis. And for example, is a bus conductor prone for varicosity because the bus conductors are constantly standing in the bus in their jobs to collect the ticket. Sedentary lifestyle, diabetes mellitus, deep vein thrombosis are the best example. Or acid peptic diseases are the best example for the sedentary lifestyles. Some farmers diabetic foot ulcers are more common in former due to various types of sticks injury or thrown injury. And health care professionals जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं, दिस इज विथ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड इज द मोस्ट कॉमन क्लूज फॉर द ऑक्यूपेशन। इंडस्ट्री वर्कर्स ब्लैडर कैंसर आर मोर प्रोन फॉर इंडस्ट्री वर्कर्स, कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर्स आर मोर कॉमन फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड एचआईवी। द ऑक्यूपेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फॉर द डायग्नोसिस। रिलीजियन, सम रिलीजन्स दैट इज पारसी आर मोर कार्सिनोजिनेसिस, मैरिजेस के कारण उनकी इसमें कुछ ऐसे हेरिडिटरी डिसीजेस रहते हैं। तो सम मुस्लिम कंडीशन में पेनाइल कैंसर का चांसेस बहुत ही कम रहता है ड्यू टू अर्ली प्रैक्टिस ऑफ सर्कमसीजन इन देयर चाइल्डहुड। इंटर सेसेप्शन, पर्टिकुलर इन रमजान के महीने में इंटर सेसेप्शन जैसी कंडीशंस, पेन पेन इन एब्डोमेन, नोसिया, वोमिटिंग,
दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इंटरसेप्शन, एंड ए पर्टिकुलर रमजान के महीने में ज़्यादा उनका इंसिडेंस रहता है। तो रमजान के महीने में और पेन इन एब्डोमेन, नॉसियो, वोमिटिंग, एब्डोमिनल लोकलाइज स्वेलिंग, ये अगर कंडीशन दिखता है और उसके साथ रिलीजन में अगर मुस्लिम है तो वहाँ मोस्ट चांसेस इंटरसेप्शन जैसे है। कुछ सिंधी, गुजराती लोग आर इन रिलीजन में थैलेसीमिया इज द मोस्ट कॉमन। सम इन ब्राह्मण कम्युनिटी लो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स, वेरी लो एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर्स आर वेरी लो ड्यू टू नॉन स्पाइसी फूड एंड ड्यू टू नॉन बैड हैबिट्स, ड्यू टू नॉन बैड हैबिट्स एंड नॉन स्पाइसी फूड्स, वेरी सॉफ्ट फूड्स, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्राह्मण कम्युनिटीज। रेसिडेंस सम इंडियन साउथ जोन आर मोर प्रोन फॉर पेप्टिक अल्सर्स, वेस्ट जोन इज अ किडनी स्टोन, ईस्ट जोन इज अ फाइलेरियासिस एलिफेरेंटाइटिस एंड नॉर्थ जोन इज फॉर आयोडीन डिफिशियंसी। सम इंडियन जियोग्राफिकल रेसिडेंस है, उसमें हम हर स्टेट के अनुसार ही वहाँ पर कर सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी जो जलगांव का एरिया है जिसमें मराठवाड़ा रीजन बोलते हैं, उसमें रेनर स्टोन जैसी कंडीशन है, या हम जहाँ जामनगर में पीजी करते थे तो वहाँ पे भी जो सौराष्ट्र एरिया है, सौराष्ट्र एरिया इज मोर कॉमन फॉर गॉइटर एंड रेनल स्टोन्स। तो ओपीडी एंड आईपीडी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ दैट पेशेंट्स प्रोफाइल इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेडिको लीगल केसेस एंड इजी फॉर रिकॉर्डिंग कीपी एंड सर्चिंग, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट्स। कि जो ओपीडी नंबर, आईपीडी नंबर है, वो मेडिको लीगल केसेस में भी रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिकॉर्ड कीप अच्छी तरह करने के लिए भी होता है, और कोई रिकॉर्ड अपने को तुरंत चाहिए। जैसे लैपटॉप में ऐसे बोला है कि भाई हमें अजय नाम का वो केस पेपर चाहिए, तो कंप्यूटर में सर्च में हम अजय नाम अगर डाल दें तो हमारे कंप्यूटर में पेशेंट में जितने अजय नाम के लोग आए हुए हैं वो सब के नाम हमारे सामने आ जा सकते हैं। इस तरह हम अजय नाम का ओपीडी नंबर क्या था, आईपीडी नंबर क्या था, वो भी उसका सर्चिंग कर सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेशेंट्स, पेशेंट की जो भी मेडिसिन है या एक्सरे रूम में उसका एक्सरे करना है, सोनोग्राफी करना है, तब उसका ओपीडी नंबर, ए रजिस्ट्रेशन का नंबर का सोनोग्राफी किया है या आईपीडी नंबर, बहुत सारी जगह हमें पेशेंट का नाम हिडन रखना होता है। तो ऐसे कंडीशन में लैब के इसमें कंडीशन में ओपीडी नंबर और आईपीडी नंबर से हम ज़्यादातर अप्रोच करते हैं पेशेंट का। किसी पेशेंट को दवा देना है तो भाई 4 नंबर बेड पे जो पेशेंट है उसका ये ऐसा ऐसा दवा देना है, या उसको ऐसे ऐसे वहाँ पे प्रोसीजर करना है, इस तरह का ओपीडी आईपीडी नंबर का इम्पोर्टेंस हुआ है। देन सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, सम डिसीजेस आर कॉमन इन रिच क्लास, सम डिसीजेस आर कॉमन इन पुअर क्लास, सम डिसीजेस आर कॉमन इन मिडिल क्लास। तो दीज आर द सर्जिकल एग्जाम्पल्स दैट दे आर फाउंड इन सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रेस, दैट लाइपोमास, फैटी टिश्यूज, ओबिसिटी आर कॉमन इन रिच क्लासेस, एंड आल्सो सी ए ब्रेस्ट आर आल्सो कॉमन इन रिच क्लासेस। दीज आर द इंस क्लिनिकल इंसिडेंस, पुअर क्लासेस इन्फेक्टेड वाउंड्स, एनीमिया आर मोर कॉमन फॉर द पुअर क्लासेस, और अपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, अमीबियासिस आर आल्सो कॉमन इन पुअर क्लासेस। तो द मैसेज फ्रॉम द पेशेंट्स प्रोफाइल्स इज, जो हमने अभी तक पेशेंट का प्रोफाइल देखा है जिसमें प्रीवियस स्लाइड में नेम था, एज था, सेक्स था, ऑक्यूपेशन था, रिलीजन था, रेसिडेंस था, ओपीडी आईपीडी नंबर था, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस था, तो इनमें से हमें यही यहाँ बताना चाहता है कि कॉमन फैक्टर्स बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अनकॉमन आउटकम्स। अगर हमें कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि ऐसे जो इस बहुत ही कॉमन फैक्टर्स है जो हर बार निगलेक्ट हो सकते हैं, भाई क्या पूछना है पेशेंट का नाम, क्या है उसका, कहाँ पे भी रहे, उसमें क्या हो रहा है, क्या उसका वो कौन से भी एक, उसके पास पैसा है या नहीं है, क्या उम्र क्या है उसकी, बहुत बहुत सारे बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट ये जो पेशेंट का प्रोफाइल है ये प्रोफाइल मिस ही कर देते हैं। मगर हम यहाँ बताना चाहते हैं कि कॉमन फैक्टर्स बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अनकॉमन आउटकम्स। कभी कभी जो काम तलवार ना कर सके वो काम एक हाथ सुई कर दे, ये ऐसी कंडीशन है कि हम डे टू डे प्रैक्टिस में घर में भी देखते हैं कि भाई टेक्निकली हमें अभी वेबिनार का हम काम कर रहे हैं तो हम इतना अभी खुद को एडवांस समझ रहे हैं, मगर उसमें भी टेक्निकली बहुत सारे जगह हमारा छोटा सा बच्चा भी ये आके ये बटन ऐसा लगाना है, ये ऐसा लिंक करना है, ये बात बता के काम अच्छा बना देता है। तो कॉमन फैक्टर बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अनकॉमन आउटकम्स। अगर हमें अच्छा अनकॉमन ऐसा आउटकम्स या लाना है तो उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर्स भी माइंड में रखना है, उसका भी हमें इवेल्यूशन करना है। तो चीफ कंप्लेंट्स,
बाद ये पेशेंट प्रोफाइल के बाद हमें पेशेंट का चीफ कंप्लेंट्स क्या रहता है, वो चीफ कंप्लेंट्स हमें वहाँ पे ऑप्टेन करना होता है। और जो भी अभी सर्जरी में चीफ कंप्लेंट्स बोले तो सबसे ज्यादा पेन, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है पेन। ये पेन के भी अनेक वहाँ पे वेराइटीज है कि वो एक कटिंग पेन है, शूटिंग पेन है, शार्प पेन है, थ्रोबिंग पेन है, स्कैल्डिंग पेन है, या ये रेडिएटिंग पेन है, या रेफरिंग पेन है, या शिफ्टिंग पेन है, या माइग्रेटिंग पेन है। इस तरह ये फर्स्ट जो कंप्लेंट्स है वो पेन का कंप्लेंट्स है। उसके बाद उसका वोमिटिंग रहता है, नॉसिया वोमिटिंग रहता है, फिर अलग अलग सिस्टम के तरह उसके वो जो चीप कंप्लेंट्स रहते हैं वो चीप कंप्लेंट्स हमें वहाँ पे मेंशन करना होता है। वो चीप कंप्लेंट्स का क्या ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन हमें वहाँ मेंशन करता है। बहुत सारे बार हम ऐसा देखते हैं कि कोई पेशेंट बोलता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन का ड्यूरेशन कब का है, भाई कॉन्स्टिपेशन का ड्यूरेशन अगर 6 महीने से है, और कभी उसके बाद पेशेंट बोलता है कि अभी ब्लीडिंग जो है डिफिकेशन का जो ब्लीडिंग है वो अभी 1 महीने से आ रहा है, मतलब फर्स्ट सिम्टम इज द कॉन्स्टिपेशन वो 6 महीने से है, और जो ब्लीडिंग पर रेक्टम है वो अभी 1 महीने से है। इस तरह का हमें ड्यूरेशन वाला लिखना है। और ये जो भी चीफ कंप्लेंट्स है इसमें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि भाई फर्स्ट पहला कौन सा है इसमें से। जैसे आयुर्वेद में भी बताया है कि प्रधान कौन है, उसके बाद मध्यम स्वरूप के कौन से लक्षण है, तो उसको वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस दैट इज नोन एज ओरिजिन ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस, और उसको ओडीपी बोलते हैं। तो जो भी सिम्टम्स है जैसे पेन है, वोमिटिंग है, उसके बाद वो पेशेंट को ब्लीडिंग पर रेक्टम है, नौसिया है, इस तरह हमें जो प्रेजेंट सिम्टम्स है पेशेंट का उनका ऑनसेंट कब है, सडन है कि ग्रेजुअल है। अगर पेन सडन है तो वह एक्यूट पेशेंट में, ग्रेजुअल है तो जैसे रेनल स्टोन में पेशेंट है धीरे धीरे ग्रेजुअल रहता है, अपेंडिसाइटिस में भी पेन सडन रहता है, अपसेस जैसी कंडीशन रहती है तो उसमें जो थ्रोबिंग पेन रहता है वो सडन रहता है। तो इस तरह उसका ऑनसेट के बाद उसको कॉज हमें डिटेक्ट होता है। ड्यूरेशन जो पेन है वो उसका शॉर्ट पेन है, जैसे रेनल पेन में जैसे दो पेन के इसमें इंटरवल रहता है, गैप रहता है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है। कभी कभी जो पेन रहता है जैसे साइटिका जैसी कंडीशन में है या लंबर स्पॉन्डेलाइटिस जैसी कंडीशन में है तो उसमें जो ड्यूरेशन है जो लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है। प्रोग्रेस, ये जो पेन है उसका प्रोग्रेस कैसा है, स्लो है या रैपिड है। तो इस तरह हमें अगर स्लो है, रैपिड शुड बी रिकॉर्डेड इन ए पेशेंट्स ओन लैंग्वेज, लीडिंग क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क टू द पेशेंट्स, एंड समटाइम्स निगेटिव आंसर्स आर मोर वैल्यूएबल। कभी कभी हमें पेशेंट को ऐसा पूछना भी पड़ता है कि जैसे हम फाइल्स जैसी एक कॉमन कंडीशन ले, पेशेंट को अगर पूछे कि भाई क्या क्या, तो वो बोलता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रहा है, सम प्रोट्रूजन ऑफ मास हो रहा है, तो इसमें हम ऐसे पेशेंट को बोल सकते हैं कि भाई कभी आपको ऐसे ब्लैक कलर स्टूल पास होता है क्या, ब्लैक कलर का स्टूल पास होता है क्या। पेशेंट ने बोला नहीं, ब्लैक कलर का स्टूल पास नहीं होता है, दैट विल इज द पॉजिटिव हिस्ट्री फॉर द अब्सेंस ऑफ कैंसर ऑफ रेक्टम। ये कैंसर रेक्टम का कैंसर नहीं है, ये ब्लैक स्टूल कलर के अपसेंट के कारण हमें पता चलता है। तो ऐसे निगेटिव आंसर्स आर मोर वैल्यूएबल। देन ये जो ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस वो हमें किस तरह लिखना है, तो उसका स्टार्टिंग यहाँ से करना है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही और सी वाज ऑलराइट बिफोर 6 month, बिफोर 1 month, और बिफोर 6 day, और बिफोर 6 hours। एक आध पेशेंट ऐसा भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही वाज ऑलराइट बिफोर 1 hour, आफ्टर दैट ही फॉल ऑन द ग्राउंड और हिट बाय व्हीकल, इस तरह भी रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ही और सी वाज ऑलराइट बिफोर 1 hour, 2 hours, आफ्टर दैट ही सफर फ्रॉम ए पेन इन राइट इलियाक फोसा एंड नॉसिया वोमिटिंग एंड डिफिकल्टी इन यूरिशन यूरिनेशन, ही टेक सम ओन मेडिकल मेडिसिन और कंसल्ट टू डॉक्टर एंड टेक सम इंजेक्शंस बट नॉट रिस्पॉन्ड, एंड सो ही कम टूवर्स द हाउस आवर हॉस्पिटल और टू कम फॉर फर्दर कंसल्टेशन। इस तरह हमें वो पेशेंट का ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस या पेशेंट का स्टार्ट करना है। और जब भी हम ये इसमें पेशेंट का सिम्टम्स लिखते हैं तो उसका ऑनसेट कब हुआ था, ओरिजिन कब है, और उसका ड्यूरेशन
किस तरह है। बहुत सारी चीज ऐसे है कि पेशेंट बोलता है कि भाई कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं या कुछ बाहर का खाना खाते हैं तो उस कंडीशन में हमें वो ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है, या हम अगर घर का खाना खाए तो हमें वो कॉन्स्टिपेशन का शिकायत होता नहीं है और ब्लीडिंग की भी शिकायत होता नहीं है। इस तरह हमें हर सिम्टम का पेशेंट के ओन लैंग्वेज में उसका ओरिजिन क्या है, ड्यूरेशन क्या है और उसका प्रोग्रेस क्या है। बहुत सारे एसिप्टोटिक डिसीज कंडीशन में तो पेशेंट बोलता है कि साहब हम अगर नॉन स्पाइसी फूड खाए तो हमें अच्छा लगता है, मगर कभी भी स्पाइसी फूड खाए या बाहर का खाना खाए तो हमें वो इसमें पेट में जलन जैसी होती है। तो ये इसका प्रोग्रेस है, किससे एग्रीवेट होता है और किससे एग्रीवेट नहीं होता है, ये पूरी कंडीशन वहाँ पे मेंशन करना होता है। प्लीज मेंशन द ओरिजिन ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच एंड एवरी कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स विथ एसोसिएशन ऑफ अदर सिम्टम्स। द मैसेज फ्रॉम ओरिजिन ड्यूरेशन एंड प्रोग्रेस इज नेचुरल पाथ इज इंपॉर्टेंट टू एक्सक्लूड अननेचुरल फिनोमेना स्टोरीज। ये जो ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस में है, जो पेशेंट का ओन पेशेंट का जो ओपिनियन है या पेशेंट का जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये इसमें हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी ओरिजिन ड्यूरेशन प्रोग्रेस में मेंशन नहीं करना है। पेशेंट का ओन लैंग्वेज क्या, उसका जो कि उसका ओरिजिन होगा, उसने बोला पेशेंट ने कि भाई अपेंडिसाइटिस में सबसे पहले मुझे अम्बिलिकल सबसे पहले मुझे राइट इलिया फोसा में पेन हुआ, तो वो राइट इलिया फोसा में लिखना है हमें ऐसा। किताब में हमने पढ़ा होगा कि भाई अपेंडिसाइटिस का शुरू शुरू में जो पेन है वो अम्बिलिकल एरिया में होता है, फिर 6 घंटे के 8 घंटे के बाद वो राइट इलियाक फोसा में शिफ्ट होता है। तो ये नहीं मेंशन करना है, जो पेशेंट का ओन लैंग्वेज में और उसका ओन स्टोरी जो है वो स्टोरी वो हमें मेंशन करना है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये केस टेकिंग या वो मोर कॉमन लैंग्वेज में स्टूडेंट लैंग्वेज में उसको हिस्ट्री बोलते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का मीनिंग ये है कि भाई हिज स्टोरी, जो पेशेंट है उसके जो कुछ भी स्टोरी है, जब से उसका पहला सिम्टम स्टार्ट है और आपके हॉस्पिटल में और आपके पास कंसल्ट करने तक उसका जितना भी कुछ स्टोरी होगा, पूरे रास्ते में जितनी भी स्टोरी होगी, वो स्टोरी पूरी उसका सुनना और उसमें से हमें डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए जो जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स हमें वहाँ हमारे माइंड में रखना या हमारे केस पेपर पे मेंशन करना, दैट इज नोन एज हिस्ट्री। द मैसेज फ्रॉम दिस स्लाइड इज नेचुरल पाथ इज इंपॉर्टेंट टू एक्सक्लूड अननेचुरल फिनोमेना एंड स्टोरीज। नाउ पास्ट हिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन और इन डे टू डे प्रैक्टिस, नंबर ऑफ टाइम पेशेंट हैविंग नंबर ऑफ एलर्जीज एंड दैट एलर्जी मस्ट बी इंटरफेयर विथ ए करंट डिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट और एलर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन। हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि भाई वो ड्रग्स कौन सा लिया था, ड्रग्स बोले तो मेडिसिंस, मेडिसिंस वो पेशेंट कौन सा ले रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका आउटपुट उसको पेशेंट को क्या मिल रहा है, कितने ड्यूरेशन तक लिया है, ये सारे कंडीशन हमें वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहते हैं। जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट हो तो भाई उसने वो उस ट्यूबरकुलोसिस का जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन 1 महीने लिया और बाद में छोड़ दिया, ऐसा किया क्या? तो बहुत सारे बार पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट जितने रहते हैं उनमें वही मिसमैनेजमेंट रहता है कि वो आखिरी 3 महीने तक 6 महीने तक वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते और फिर उसको ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है। तो प्रॉपर ड्रग की हिस्ट्री, उसका नेचर क्या है और नेचर के बाद उसका उसमें से आउटपुट क्या मिला था, वो पेशेंट को रिलीफ मिला था या नहीं मिला था, नंबर ऑफ टाइम एलर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इम्यूनाइजेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन सर्जिकल डिसीजेस पर्टिकुलरली फॉर द टिटेनस। Particularly for the tetanus, if a patient does not have a proper immunization of the tetanus, then patient having dangers to for the fatal conditions. So, past history, the details of the past history may illuminate obscure areas of the present illness. That obscure areas is hidden areas. Present illness में अगर कोई ऐसी एकाद hidden condition हो या एकाद कोई ऐसा hidden corner हो तो वो सवाल होने वाला नहीं हो, तो उसका कुछ क्लू हमें पास्ट हिस्ट्री में भी मिल सकता है। देन पीपल हु आर वेल आर ऑलमोस्ट नेवर सिक, द पीपल हु आर वेल आर ऑलमोस्ट नेवर सिक, जो लोग अच्छे रहते हैं वो कभी सिक नहीं रहते हैं, और पीपल हु आर सिक आर ऑलमोस्ट नेवर वेल, और जो कभी भी अच्छे नहीं, जो हरदम कुछ ना कुछ उनके पैथोलॉजी चली रहती है
वो कभी अच्छे भी नहीं हो सकते। ये पास्ट हिस्ट्री में हमें दो चीज़ें बहुत सारे याद रखना है कि भाई हम पेशेंट को बहुत सारे ऐसे कंडीशन आती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन आती है ओपीडी में कंसल्टेशन में, या फिस्चुला जैसी कंडीशन आती है, या पाइल्स जैसी कुछ ऐसी कंडीशन आती है क्रॉनिक डिसीजेस की पेशेंट पूछते हैं कि बताते हैं कि साहब हम 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, हम दवा खाती खा रहे हैं, खा रहे अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कंडीशन में हम दवा खा रहे हैं, खा रहे हम कब अच्छे होंगे। तो कुछ डिसीज ऐसे रहते हैं कि उसमें थोड़ा सिक कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा उसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री, द फैमिली हिस्ट्री इज ग्रेटली सिग्निफिकेंट इन ए नंबर ऑफ सर्जिकल कंडीशंस, पॉलीपोसिस ऑफ कोलन, डायबिटीज, वेरिकोसिटी, क्यूलॉइड, क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, कैंसर। पर्सनल हिस्ट्री में हम पेशेंट के ड्रग एलर्जी है, ड्रग हिस्ट्री है, और हैबिट्स और एडिक्शंस एंड ट्रीटमेंट हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल डाटा, लोकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशंस, दीज आर द फिजिकल एग्जामिनेशंस। द वाइटल डाटा शोज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्परेचर्स, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, दीज आर वेरी कॉमन पैरामीटर्स, दीज आर असेस ड्यूरिंग द केस टेकिंग्स, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर्स। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आर एज पर स्लाइड्स, देयर आर कॉन्शियसनेस मीन्स द पेशेंट ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, देन सेमी कॉन्शियसनेस कि पेशेंट ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन बट ही इज अवेकन, एंड थर्ड कंडीशन इज अनकॉन्शियस, एंड दिस कंडीशन डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, स्टूपर एंड कोमा। वेन पेशेंट इज अनकॉन्शियस, नॉट ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन बट रिस्पॉन्डिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई, इफ पॉजिटिव, अगर उसको हम नीडल प्रिक करते हैं तो वो थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, आँख खोलता है, देन उसको बोलेंगे स्टूपर। अगर वो हम उसको पेनफुल स्टिमुला करेंगे और वो आँख भी नहीं खोलता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी टाइप, देन इट इज नोन एज कोमा। देन पल्स रेट कैसा है, पल्स का फास्ट है कि स्लो है, उससे भी हमें डायग्नोसिस होने में मदद देती है। जैसे जब भी वो पल्स फास्ट रहती है तो शॉक जैसी कंडीशन में फास्ट रहता है, रिदम रेगुलर और इरेगुलर है पल्स का, टेंशन कैसे है, दैट इंडिकेट्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फोर्स पल्स का फोर्स कैसा है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता है, वॉल्यूम में पल्स प्रेशर इंडिकेट करता है। देन इस तरह हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जनरल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन का पर्पोज हमारा एक नंबर पे, फॉर द डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, फॉर द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, कि भाई ये जो पेशेंट है ये पेशेंट को सर्जिकल कंडीशन में कौन सा एनेस्थीसिया देना है। बहुत सारे कंडीशन है कि जहाँ रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, जैसे रेनल फंक्शन जैसे कंडीशन है, हेपेटोबिलरी जैसे डिसीज कंडीशन है, या एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे कंडीशन है, ये कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया इज टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और इट बिकम्स ए हार्मफुल टू द पेशेंट्स एंड ऑल द कंडीशन। सो ऐसे कंडीशन में हमें पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है, ये हमें वहाँ पे मेंशन करना है, या वो जनरल एग्जामिनेशन से हमें अचीव करना है। बहुत सारे कंडीशन ऐसे है कि कभी कभी स्पाइनल एनेस्थीसिया भी नहीं दे पाती पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में लोकल एनेस्थीसिया का वहाँ यूज़ करना होता है। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ऑपरेशन, कि भाई ये पेशेंट का एचबी स्टेटस अगर अच्छा है, उसका ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम अगर अच्छा है, तो वो पेशेंट में हम ये सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं, नहीं तो मिनिमम असेस सर्जिकल प्रोसीजर, आज के ज़माने में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स करना है। तो पेशेंट का जो टॉलरेंस है जनरल एग्जामिनेशन से, पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन उसका ये स्टेटस से हमें नेचर ऑफ ऑपरेशन वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द प्रोग्नोसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, जनरल एग्जामिनेशन मस्ट बी क्लियर। अगर पेशेंट का बीपी कम ज़्यादा होता है या अगर हमें दिखता है, तो वो पेशेंट का प्रोग्नोसिस कम रहेगा। ये पेशेंट में अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम ज़्यादा हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू प्रीवियस ट्रीटमेंट, तो ये पेशेंट का जो जनरल एग्जामिनेशन से हमें पता चलेगा कि भाई ये पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। तो जनरल एग्जामिनेशन ऑलवेज कैरिड आउट फ्रॉम हेड टू टोज एंड नो पार्ट मे नॉट बी एक्सक्लूड फ्रॉम द जनरल एग्जामिनेशन। अगर हमें लगता है कि भाई जनरल एग्जामिनेशन में स्काल को क्या एग्जामिनेशन करना है, हमें तो बीमारी यहाँ एब्डोमिन की है तो नेल क्या देखना है, या पाओ की वेंस क्यों देखना है, लोअर लिम्स लिम्फेडिनोपैथी क्यों देखना है, तो ऐसा नहीं रहता है कि हर दूसरे का एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये कनेक्टिविटी रहती है। तो उसमें जनरल एग्जामिनेशन में हमें पेशेंट का अच्छी तरह मैनेजमेंट करने के लिए उसका स्काल्प टू हेड टू टोज ये एग्जामिनेशन कैरिड आउट करना चाहिए। जनरल सर्वे में पेशेंट का बिल्ड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है,
एटीट्यूड कैसा है पेशेंट का, गट कैसा है, फेसे उसका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसा है, डेकुबिटस कैसे है उसकी, उसकी चलने का दहने कैसा है, कलर ऑफ द स्किन कैसा है उसका, स्किन इरप्शंस कैसे है, कलर ऑफ द स्किन में अगर रेड कलर ज़्यादा हो तो वो इंफ्लेमेटरी कंडीशन है, और वासोडायलेटेशन जैसी कंडीशन है, सम ब्लैकिश डिस्कलरेशन है तो उसमें वो इचिंग और इचिमिया जैसी कंडीशंस रहती है, स्किन इरप्शंस रहते हैं। देन सिस्टेमिक रिव्यू, इन ऑर्डर टू मेक द सर्टन जजमेंट व्हेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द पास्ट हिस्ट्री विल नॉट बी ओवरलुक द सिस्टेमिक रिव्यू मस्ट बी फॉर्मलाइज एंड थ्रू। बहुत सारी कंडीशन ऐसी है कि पास्ट हिस्ट्री अगर हमने अच्छी तरह नहीं किया तो वो सिस्टमिक रिव्यू हमें अच्छी तरह नहीं मिलता है, इसलिए सिस्टमिक रिव्यू में हमें पास्ट हिस्ट्री करना होता है। न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द न्यूट्रिशनल बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट। अंडर प्रिविलेज मास्ट नरिश पेशेंट रिस्पॉन्ड पुअरली टू द डिसीज इंजुरी एंड ऑपरेशन। कार्सिनोमा में भी मोर फ्लुमिनेटिंग इन माल नरिश पेशेंट्स, जैसे माल नरिश पेशेंट होते हैं तो उसमें कार्सिनोमा कैंसर जैसी कंडीशन बहुत सारे स्प्रेड हो जाती है। माल नरिशमेंट मे नॉट बी ओबियस ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, ये माल नरिशमेंट फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं तो हमें वहाँ पे कुछ लेबोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन करना होता है जिसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सम विटामिन ऐसे टेस्ट करना है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये पेशेंट में इस तरह के विटामिन की कमतरता है या इस तरह इलेक्ट्रोलाइट की कमतरता है, और ये फुलफिल करने के बाद वो पेशेंट न्यूट्रिशनली प्रॉपर या बैलेंस हो जाएगा है। इट इज़ इसेशनल फॉर द सर्जन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशनल बैलेंस। सम क्लूज कैन ऑफन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री एंड द फिजिशियंस क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, सो इट इज ऑफन पॉसिबल टू बिगेन थेरेपी बिफोर द रिजल्ट ऑफ लैब टेस्ट हैव बीन ऑब्टेंड, एंड ऑफकोर्स लैब डाटा शुड बी ऑब्टेंड एज सुन एज पॉसिबल। जितने जल्दी लैब डाटा आएगा उतने जल्दी उसका न्यूट्रिशनल बैलेंस वहाँ पे किया जाएगा। कंसिडरेशन फॉर द पेशेंट्स इमोशनल बैकग्राउंड, इमोशनली एंड मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स रिक्वायर सर्जिकल ऑपरेशन एज ऑफन एज अदर्स, एंड फुल कोऑपरेशन बिटवीन साइकेस्ट्रिस्ट एंड सर्जन इज इसेशनल। ऐसे इमोशनली पेशेंट को जब हम ऑपरेशन करते हैं तब हमें या साइकेट्रिस्ट की जरूरत रहती है, या कभी कभी तो हमें साइकेट्रिस्ट के एब्सेंस में भी काम करवाना होता है, वो पेशेंट को हैंडल करना होता है। देर आर ऑल्सो मेनी सिचुएशन इन विच द सर्जन कैन एंड शुड डील विद द इमोशनल इलनेस रादर देन रिस्टोरिंग टू साइकेट्रिक असिस्टेंस। तो इमोशनली पेशेंट है तो उसको भी हमें अच्छी तरह वहाँ पे केस टेकिंग और सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमें उसको अच्छी तरह से रैपोर्ट तैयार करना है, इंटरेक्शन करना है, इफेक्टिव इंटरेक्शन करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में, डायग्नोस्टिक किट में, स्टेटोस्कोप, दीज आर द वेरी कॉमन थिंग्स स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट फॉर बेटर और गुड केस टेकिंग ही मस्ट रिमेंबर दिस डायग्नोस्टिक किट, स्टेटोस्कोप, पेंसिल, टेलरिंग टेप, स्किन पेंसिल, हैमर, न्यूरोलॉजिकल किट, पिन, कॉटन वुल, गुड क्वालिटी नाउ इट इज गुड क्वालिटी कैमरा टू फॉर द स्नैप्स और टू कैच द रेयर कंडीशंस एंड कंपेयर फॉर प्रीवियस फॉलोअप ऑफ द पेशेंट्स कि भाई पिछले 7 दिन के पहले ये वुंड हीलिंग में इस तरह का पैटर्न था और आज 7 दिन के बाद इस तरह का पैटर्न है, या 5 दिन के बाद उसको इस तरह का वुंड अल्सर में स्लब था और हमें हमने उसको इस तरह का ये ऑइंटमेंट लगाने के बाद उसका ये वहाँ पे स्लब डिसलपिंग हुआ, इस तरह का ये कंपेयर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए कैमरे की भी ज़रूरत है। आजकल हर एक के पास वो मोबाइल में कैमरा रहता है तो उसका एक मेडिकल फोल्डर तैयार करके उसमें वो फोटोग्राफ्स वहाँ रखना चाहिए और उसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना चाहिए। कलर पेन्स एंड नोटबुक मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर द करेक्ट केस टेकिंग और इफेक्टिव केस टेकिंग। कलर पेन मस्ट बी फॉर द पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, पल्स ऑक्स मीटर नाउ डेज और अदरवाइज इट इज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल और मे बी परचेस इन अ ग्रुप, पल्स ऑक्स मीटर, ग्लूकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक एचबी मीटर, पर्सनल कैप, मास्क, ग्लोव्स फॉर इंटरेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। इफ दिस ऑल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल देन इट इज गुड, इफ नॉट देन पर्सनल और ग्रुप 4 और 5 पीपल्स कम ईच अदर और सम विल परचेस पल्स ऑक्स, सम विल परचेस ग्लूकोमीटर, सम ऑन इलेक्ट्रिक एचबी मीटर, सच मे बी इंटरेक्ट इन एक्सचेंज विथ ईच अदर। थर्मामीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट्स, टंग स्पेक्टुलम, वेइंग मशीन्स, हाइट चार्ट मस्ट बी रिक्वायर इन योर ओपीडी एरिया और केस टेकिंग एरिया। नॉलेज ऑफ यूज ऑफ एरोस्कोप, नजल स्पेकुलम, ऑप्थेल्मोस्कोप, प्रोक्टोस्कोप, लैरिंजियल मिरर, वजानल स्पेकुलम, तो दिस इज द नाउ डेज ट्रेड इन आयुर्वेदा इट इज ऑल नोन एज नाड़ी यंत्र, बट नाउ डेज इट इज टर्म एज एंडोस्कोपी,
endoscopy. So this knowledge of this endoscopy, primary knowledge of this endoscopy must be necessary when his exact indications, exact preoperatives for that particular procedures, and some contraindications and some complications and management, particularly SOPs, standard operating procedures of these endoscopies. Now the principle for elective physical examinations. इन एन ऑर्डरली एंड डिटेल फैशन, जो हमने अभी तक जितना ही देखा है वो पूरा हमें डिटेल में वहाँ करना है एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद परफॉर्म ए कम्प्लीट एग्जामिनेशन इन एग्जैक्टली द सेम सीक्वेंस. जो कम्प्लीट एग्जामिनेशन है यही सीक्वेंस में हमें वहाँ करना है, एंड फिट द सर्कमस्टेंसेज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें भी हमें ये फिक्स करना है कि ये सर्कमस्टेंसेस का स्टडी करना है या ये सर्कमस्टेंसेस असेस करना है या नहीं करना है, उसका एक प्रोटोकॉल हमें तैयार रखना है. जब भी ऐसी इमरजेंसी केस आती है तो उसमें हमें ये प्राइमरीली वहाँ असेसमेंट, केस टेकिंग के लिए ये असेसमेंट करना है. अननेसेसरी यहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं उसका अगर हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो इमरजेंसी कंडीशन मैनेजमेंट ना होने के कारण पेशेंट जी. एंड हाउ तो कंफर्टेबल रूम, तो पेशेंट के लिए एक अच्छी रूम होना चाहिए कि भाई उसको ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो या डिस्टरबेंसेस ना हो. प्रॉपर टेबल होना चाहिए, वो टेबल पे ऊपर जा सके या उतर सके इसके लिए वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए. प्रॉपर लाइट फॉर द एक्सपोजर, प्रॉपर एक्सपोजर होना चाहिए, बहुत प्राइवेसी होना चाहिए वो पेशेंट को, क्यों बहुत सारे पेशेंट ऐसी उसकी पर्सनल बातें बताता है तो उसमें प्राइवेसी भी रहना चाहिए. एंड प्रॉपर पोजिशन, तो हमें असेसमेंट करना है पेशेंट का, इंस्पेक्शन करना है, पल्पेशन करना है, तो उसके लिए प्रॉपर पोजीशन की भी जरूरत है. ट्रैक द पेशेंट इफ रिक्वायर्ड्स एंड लेट पेशेंट टॉक ए बिट, जाएंगे या उसके साथ ज्यादा ही बोलते रहेंगे तो वो पेशेंट भी बोर हो जाएगा और घबरा जाएगा. तो पेशेंट के साथ छोटा छोटा बातें करते रहना, पेशेंट से ज्यादा सुनने का और हमारा कम बोलने का, ये केस टेकिंग में सब इम्पोर्टेंट बातें हैं. कि फिजिकल एग्जामिनेशन में अभी हमने देखा कि ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंस्पेक्शन, पल्प ऑस्कल्टेशन. इंस्पेक्शन में हम फर्स्ट ऑब्जर्व द पेशेंट्स जनरल फिजिकल एंड हैबिटस एंड देन इंस्पेक्ट केयरफुली द हैंड्स, ब्लिंकिंग, ट्रिमर्स इन प्राइमरी थायरॉइडोक्टोसिस, विंचिंग ऑन फेस इन फेस कंडीशन, इन पेन इन एब्डोमेन कंडीशंस. तो इंस्पेक्शन इज द ओनली इंस्पेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पेशेंट्स. कंपेरिजन ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बॉडी, स्कोलियोसिस इन साइटिका, एक ही तरफ पेशेंट चलते हो, एक ही साइड में पेशेंट ज़्यादा चलता है. वास्टिंग ऑफ मसल इन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ऐसे बहुत सारी कंडीशन है कि वहाँ मसल की वास्टिंग होती है, तो एक दूसरे अपोजिट साइड से कंपेरिजन करके वहाँ हम ये कर सकते हैं. असिमेट्री ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर कंपेरिजन ऑफ टू बॉडी पार्ट्स. पाल्पेशन में स्पाजम, नो टेंशन, एंजाइटी, केयरफुली प्रसाइज एंड जेंटल, स्पेशली इन चिल्ड्रन. Sometimes it is necessary to use only one finger to process localize the extent of the tenderness in appendicitis. In appendicitis or to detect the renal angle tenderness, one finger is sufficient to detect the tenderness. But in breast pathological conditions, examination with a complete palm is beneficial to detect the exact pathology. So breast ki condition mein hame a single finger se wahan स्वेलिंग पालपिटी होगा नहीं और उसमें टेंडरनेस भी अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए हमें पाम की जरूरत रहती है. यहाँ पे ये प्रैक्टिकली चीज याद रखना चाहिए. परकशन, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर सर्जिकल इम्फाइजमा, प्लूरल इफ्यूजन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रप्चर ऑफ लीवर एंड स्प्लीन इन एब्डोमिनल ट्रॉमास और इन ब्लीडिंग एब्डोमिनल ब्लीडिंग कंडीशन. परकशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिफ्रेंशिएट फुल डल साउंड एंड रेजोनेंस साउंड इन असाइटिस, पेरिटोनाइटिस, टू डिसाइड द कंटेंट ऑफ हर्निया वेदर इट मे बी एंट्रोसील और ऑट्रोसील. तो इसलिए ये परकशन है, एंट्रोसिल रहेगा तो उसमें जो रेजोनेंस साउंड रहेगा और ओमेंटोसिल रहेगा तो डल साउंड रहेगा. ऑस्कल्टेशन सीम्स टू बी द एक्सक्लूसिव प्रोविजन ऑन द फिजिशियन बट नाउ मोर इम्पोर्टेंट इन सर्जरी. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स,
in post operative conditions. Contents of the hernia is the best example for the auscultation. Vascular lesions, aneurysm जैसी condition में auscultation कर सकते हैं. Abdominal pain में auscultation की जरूरत रहती है. Surgical emphysema, post operative surgical emphysema में auscultation. और murmur, heart murmur murmur होगा या brute होगा arterial ulcer में, तो वह auscultation के लिए हमें case taking में जरूरत रहती है surgical conditions में. Examination of the body orifice is most important part. Ear, ears, nose, ears, mouth, rectum, pelvis, vagina, urethral orifice. These are the examinations of body orifice is most important. वो इसमें ज़रूरत है या नहीं है वो बात की बात है, मगर उसमें ear का examination करना चाहिए, nose का examination करना चाहिए, mouth का करना चाहिए, rectum का करना चाहिए, या पी पर रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं, पीवी एग्जामिनेशन इफ फीमेल, और यूरेथ्रल ऑरिफिस का भी देखना चाहिए. इस तरह हमें एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑरिफिस करना है. देन फिजिकल एग्जामिनेशन इन इमरजेंसी कंडीशंस, द प्राइमरी कंसिडरेशन क्या रहेगा इमरजेंसी कंडीशन में. ये अभी तक हमने जो पैटर्न देखा है वो इलेक्ट या नॉर्मल पेशेंट में देखा है. अगर इमरजेंसी पेशेंट आए तो हम उसका हिस्ट्री टेकिंग या केस टेकिंग में क्या, उसका मैनेजमेंट में क्या प्रोटोकॉल रखेंगे, तो प्राइमरी कंसिडरेशन, सबसे पहले प्राइमरी कंसिडरेशन ट्रीटमेंट बिफोर फर्दर एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन करने से पहले उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, रैपिड सर्वे एग्जामिनेशन, फिर बाद में उसका रैपिड सर्वे एग्जामिनेशन करेंगे, पल्स देखेंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर देखेंगे और इमरजेंसी ट्रीटमेंट करेंगे. इस तरह उसका ये प्रोटोकॉल है इमरजेंसी ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन. द प्राइमरी कंसिडरेशन इन इमरजेंसी कंडीशन इस पेशेंट ब्रीदिंग, पेशेंट का ए बी सी अच्छा है क्या, एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हमें इस तरह हम पेशेंट का करना है. अगर नहीं होगा तो उस तरह के अप्रोच, ए बी सी प्रैक्टिकली रखने के अप्रोच हमें वहाँ पे करना होगा. ट्रीटमेंट बिफोर एग्जामिनेशन, सम इंजरीज रिक्वायर इमरजेंसी ट्रीटमेंट बिफोर एनी फर्दर एग्जामिनेशन कैन बी डन. पेनिट्रेटिंग वुंड्स ऑफ द हार्ट, इसमें हमें ट्रीटमेंट करने से पहले, एग्जामिनेशन करने से पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है. लार्ज ओपन सकिंग वुंड्स ऑफ द चेस्ट, मैसिव क्रश इंजरीज विद ए रिप फ्रैक्चर्स, मैसिव एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये कंडीशन में हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करना होता है और बाद में पेशेंट का केस टेकिंग एग्जामिनेशन लेना होता है. रैपिड सर्वे एग्जामिनेशन, आफ्टर द फैटल सिचुएशन हैव बीन कंट्रोल, रैपिड सर्वे एग्जामिनेशन मस्ट बी डन. द ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट फॉर ए फ्लैटस, स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हिकअप, यूरिन आउटपुट, वोमिटिंग, हेडेक, ब्लर्ड विजन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड साइन ऑफ शॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रैपिड सर्वे एग्जामिनेशन. जब भी कोई पेशेंट हमें इमरजेंसी कंडीशन में आता है या एब्डोमिन ट्रामा के जैसे कंडीशन में आता है, तब पेशेंट का फ्लैटस कैसा है, स्टूल कैसे चल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या हो रहा है, हिकअप, यूरिन आउटपुट कितना है, पेशेंट को वोमिटिंग हुआ क्या, प्रोजेक्टाइल, हेड इंजरी में पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है, पेशेंट को 6 घंटे के बाद हेड इंजरी में हेडेक आता है, ब्लर्ड विजन होता है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस स्लोली वो स्टूपर कोमा की तरफ जाता है, अनकॉन्शियस होते रहता है, और उसमें शॉक के कुछ लक्षण मिल रहे क्या, जैसे उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, उसका रेस्पिरेशन शैलो, एब्डोमिनल शैलो हो रहा है, मंद गति से उसका रेस्पिरेशन चल रहा है, ऐसे कंडीशन है शॉक, उसके जो एक्सट्रीमिटीज़ है वो एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो रहे हैं, दिस इज नोन एज साइन ऑफ शॉक. इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में पेशेंट सर्जिकल कंडीशन में हमें सबसे पहले हीमोस्टेसिस करना है, क्योंकि जो भी इंजरीज आती है वो इंजरी में हमें आयुर्वेद में चतुर्विध स्कंदन उपाय बताया, स्तंभन करना है, स्कंदन का पाचन दन करना है, तो इसमें भी हमें सॉल्यूशन के सहायता से कुछ मॉडर्न के सॉल्यूशन होंगे उससे सहायता से हमें हीमोस्टेसिस करना होगा, या क्लैम्प करना होगा, लाइगेशन मेथड करना होगा, फिर कंट्रोल ऑफ पेन, उसके लिए हमें जो एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है वो वहाँ पे यूज़ करना होता है. स्प्लिंटिंग ऑफ द फ्रैक्चर लिम्स, अगर फ्रैक्चर जैसी कंडीशन है तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा वो लिम्स को. अगर कोई वुंड हो, लैसरेटेड वुंड हो या क्रश इंजरीज हो तो उसको सुचरिंग करना होता है. अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, शॉक्स, शॉक की कंडीशन है तो हमें शॉक का ट्रीटमेंट देना होगा वहाँ पे, या मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम होता है, ये शॉक के, शॉक जैसी कंडीशन है मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम में, तो शॉक्स. एंड ए टू एफ इन एब्डोमिनल कंडीशंस, कि इसमें ए टू एफ बोले तो एस्पिरेशन, ए बोले तो एस्पिरेशन, बी बोले तो बॉयल केयर, सी बोले तो चार्ट, चार्ट में यूरिन आउटपुट, डी बोले तो वहाँ ड्रग्स, ई बोले तो वहाँ इमरजेंसी लैप्रोटॉमी, और एफ बोले तो फ्लूड थेरेपी. दिस इज अ वेरी कॉमन फार्मूला, ए टू एफ इन एब्डोमिनल कंडीशंस. लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन में हम कंप्लीट ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, इवेल्युएटेड हेल्थ स्टेटस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, रेनल, हेप्टिक, इमेज स्टडीज, इसमें एक्सरेज है, सोनोग्राफीज है, पेट स्कैन है, सीटी स्कैन है, एमआरआई स्कैन है, दीज आर द इमेजिंग स्टडीज, फिशुलोग्राम्स है फॉर द
case taking in surgical conditions, and these are the special examinations. These are cystoscope, gastroscope, esophagoscope, colonoscope, angiography, bronchoscopy are most important to solve the surgical cases. Number of time these investigations are carried out to differentiate the conditions, and this knowledge of that particular condition must be known to the student. And take home message from this my lectures is, patients are the main source of your understanding and digesting your theoretical knowledge. Perfect history only will make you a perfect doctor. As is your pathology, so is your practice. So my dear friend, you always stress on a case taking rather than technical knowledge. So case taking is most important part for diagnosis and management of the patients. Thank you. At this event, I am Avinash Pathak ji, sir, then Praveen Yadav, sir, they have given me opportunity for these lectures. Thank you very much, sir. Hello. For this beautiful talk. Thank you very much, sir, for speaking. Hello, sir. Aspects of case taking basically. Okay, thank you. I hope everyone have enjoyed a lot in knowledge. Once again, I thank you, Professor Dr. Anand Chokar, sir. And I also thankful to all the participants of the event. So now we can finish the webinar. Once again, thank you very much, sir. Okay, thank you, sir. Dr. So, the participants, meet in the next event. So stay connected. Thank you. Okay, sir. Aru, welcome, sir. Hello. Close.